माईवान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो में आपको ओवरसीज प्राइम सेक्टर डी में अगर आपको लोकेशन चूजिंग का भी ऑप्शन मिला है जैसे साइड ने ऑप्शन दिया है कि नाइन्थ में ऑनवर्ड्स इन मेंबर की इंस्टॉलमेंट क्लीयर है सारी और उन्होंने ट्वेंटी फाइव परसेंट एडवांस पे किया है तो अपनी मर्जी की लोकेशन चूज कर सकते हैं ओवरस प्राइम में तो उसके हवाले से गाइड करूंगा तो इस वीडियो में सिर्फ सेक्टर डी के हवाले से स्पेसिफिकली कि सेक्टर डी की चार साइड्स पे कैलकुलेटेड है सेक्टर सी में कौन से स्ट्रीट रिकमेंडेड हैं कौन से स्ट्रीट रिकमेंडेड नहीं है किन स्ट्रीट से प्लॉट लेना फिजिबल है किन पर फिजिबल नहीं है तो उस हवाले से वो गाइड करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर डी की चार साइड्स की सेक्टर डी की चार साइड में अगर देखें सबसे पहले नॉर्थ साइड ऊपर वाली साइड पर देखें तो आपके सेक्टर सी में ट्वेल्व मतलब प्लाट्स बनते हैं अगर हम ईस्ट साइड पर देखें यानी इसके लेफ्ट साइड पर तो इसके देखते हैं आप कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी प्लस चक्री रोड होगा तो ये एरिया काफी इस साइड पे रिकमेंडेड प्लॉट नहीं है अगर आपको मिलता है तो यहाँ प्लॉट बिल्कुल मत लें क्योंकि आपको प्राइवेसी के इशूज़ बहुत होंगे क्योंकि कमर्शियल मेन रोड पर हैं तो कमर्शियल ग्राउंड प्लस एट से ग्राउंड प्लस टेन के तो मिनिमल होंगे तो मिनिमम प्लाट अगर इतना होगा तो आपको बस बाकी अंडरस्टैंडिंग अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है अगर हम बात करें वेस्ट साइड पे तो वेस्ट साइड पे इसके बनता है सेक्टर ई e, जिसमें सात मल्ला के प्लॉट ही हैं सेम सेक्टर डी और सेक्टर ई में एक ही कैटेगरी के प्लॉट हैं किसी दूसरी मिक्स कैटेगरी के प्लॉट नहीं है मां चंद प्लॉट्स के कुछ कॉर्नर प्लॉट जो हैं वो आपके दस मरला के होंगे बाकी तमाम के तमाम प्लाट्स आपके दस मरला सात मरला के होंगे अगर हम इसकी बात करें साउथ साइड की तो साउथ साइड सेक्टर जी बनता है और सेक्टर जी जो है वो दस मरला का प्लाट है इसके एक साइड पर बारह मरला का ब्लॉक है एक साइड पर दस माला का ब्लॉक है एक साइड पर पब्लिक रोड है और एक साइड पर फिर आ, पार्क भी है प्लस रोड भी है ये ओवरऑल सेक्टर डी की लोकेशन बनती है अब आते हैं जी सेक्टर डी में कौन से स्ट्रीट रिकमेंडेड है कौन से स्ट्रीट रिकमेंडेड नहीं है अगर मैं मैं आपको ज़रा सा क्लियर कर दूँ तो स्ट्रीट वन स्ट्रीट टू स्ट्रीट थ्री स्ट्रीट फोर स्ट्रीट फाइव स्ट्रीट सिक्स स्ट्रीट सेवन स्ट्रीट एट स्ट्रीट नाइन ये जो हाफ आपको रोड नजर आ रहा है जहाँ से लेन वन के बीच में डिवाइडेर है इसकी जो लेफ्ट साइड वाले प्लॉट हैं सारे प्लॉट माशाला बहुत अच्छे हैं अगर आपको चूजिंग मिलती है लोकेशन मिलती है या बैलेटिंग का प्लॉट निकलता है यहाँ पे तो इस प्लॉट को मेनटेन करें इसको सेल मत करें क्योंकि ये प्लॉट सारे कटिंग वाले एलिवेटेड प्लॉट्स हैं यानी यहाँ पे सोसाइटी की तरफ जो प्लॉट यहाँ पे दिए गए हैं वो प्लॉट की एलिवेशन बहुत अच्छी है हाइट बहुत अच्छी है तो ये रिकमेंडेड प्लॉट है इनको आप वेस्ट मत करें ये अगर मैं सिर्फ स्ट्रीट की वन uh, से लेकर स्ट्रीट नंबर नाइन तक हाफ स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ अब जो अदर हाफ है उसमें कुछ जगह पे एम्बिगुटीज़ हैं उनमें ऐसे एम्बिगुटीज़ हैं कि आपका जैसे ये स्ट्रीट है इसमें इस स्ट्रीट का भी हाफ कर लें इसका ये वाला जो पार्ट है यानी कि मैं इस स्ट्रीट से पार्ट को नोमिनेट कर रहा हूँ ये, ये जो यूँ इस तरफ वाला पार्ट है यानी कि यहाँ से लेके ना इस साइड ये साइड आपको ये लेफ्ट साइड वाले एरिया सारे प्लॉट लोकेशन चूजिंग अच्छी बनती है और इस साइड में वैसे ही आपके प्राइवेसी के इशू हैं तो इस साइड तो बिल्कुल चूज ना करें और ये सेंटर वाले जो प्लॉट हैं ये सारे वैसे डिप्रेशन के प्लॉट हैं ये वाला एरिया के प्लाट है तो आपको क्योंकि आप अच्छी अच्छी फिलिंग हुई है हमने तो एरिया बनते हुए देखा हो ना तो मुझे तो आइडिया है कि इस एरिया में कौन सा है मैं किसी स्पेसिफिक मेबर को मैं नहीं कह रहा कि प्लाट चूज़ करें ये इन जनरल वीडियो है ये जनरल इन्फॉर्मेशन लिए वीडियो है कोई बंदा यहाँ से मुस्तित होता है या नहीं होता दैट्स नॉट माई कंसर्न मैं एक जनरल परसेप्शन के लिए वीडियो बना रहा हूँ जनरल कह लें गुडविल के लिए कि अगर आप प्लाट चूज़ करते हैं तो कौन से प्लाट आपको रिकमेंडेडेडेडेडेड है कौन से प्लाट रिकमेंडेड नहीं है वैसे आमतौर पर स्ट्रीट वाइज टेलीकाम मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि प्लाट नंबर स्ट्रीट नंबर सेवन प्लाट नंबर सिक्स चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस तरह वर्बल आपको भी बताता जैसे ये आप वीडियो की मदद से देख सकते हैं इस ब्लॉक में चूज करना तो ये लेन वन से जो लेफ्ट साइड जितना एरिया ना ब्लॉट लेन वन से अगर आप देखें इसकी वेस्ट साइड लेफ्ट साइड और वेस्ट साइड एक ही बात बनती है ये इनमें से कोई प्लॉट जहां भी मिलता है चूज करें कॉर्नर मिलता है कोई प्लॉट मिलता है चूज करें द रीजन इज के सारा प्लॉट बहुत एलिवेटेड है तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त तो आपको जो नीचे राफ्ट का खर्चा है वो वैसे ही बचेगा स्टील वैसी दो लाख ऊपर से टन चला गया ऊपर तो आपको एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो आठ दस लाख की बचत तो यहीं भी आ जाएगी ना तो जब अपने प्लॉट में वैसे पैसे जाने हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन में बचत मिल जाएगी इफ यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अगर आपने सिर्फ आ, सेलिंग के लिए प्लॉट लिया हुआ है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता फिर कोई भी कैटेगरी प्लॉट कॉर्नर या मेन रोड चूज़ करें पार्क तो इसमें है नहीं तो जो मिलते हैं प्लॉट, उसको अच्छे तरीके से चूज़ करें अदरवाइज़ जो है, खामोशी का नाम खामोशी बेहतरीन बेहतरीन काम है तो ये सेंट्रल जो प्लाट बनती है फिलिंग वाले प्लाट हैं इनको मेरे हाल में प्रेफर नहीं करना चाहिए उसकी रीज़न ये है कि आप जब इस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप नीचे जब पाइलिंग करेंगे राफ्ट बिछाएंगे तो आप आपको ऑटोमेटिकली बेड बिछाने पर एटलीस्ट आपको पाँच से छः टन स्टील तो वैसे ही चला जाएगा सात महल के प्लाट में सात महल के प्लाट की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो मैं कोई एक प्लाट लेता हूँ तेरह नंबर प्लाट है इसका तीस फुट फ्रंट है यानी थर्टी बाई फिफ्टी थ्री का प्लाट है तीस फुट फ्रंट है तिरपन फुट बैक है तो तीस बाई त्रिपन के प्लाट में आपको जो कंस्ट्रक्शन अलाउड है वो आपकी रेशो है एट्टी ट्वेंटी तो आपने इसमें जो लेफ्ट साइड राइट साइड तो कुछ right तो नहीं छोड़ना फ्रंट साइड पे आपने दस फुट जगह छोड़नी है पांच फुट जगह छोड़नी है बैक साइड पे पांच और फ्रंट पे दस तो आपको टोटल तो तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगा वो आपको मिलेगा अराउंड सात में से तकरीबन पांच इशारिया तीन तो मरले तो आपने ये एरिया यूटिलाइज करना है बाकी एरिया आपका वैसे ही आपको ओपन छोड़ना कंपलसरी है वेंटिलेशन परपज़ के लिए अगर आपको कॉर्नर प्लॉट ले लेते हैं जैसे यहाँ पे कुछ कॉर्नर प्लॉट प्लाट आपको अगर आपके दस मरला का ऑप्शन है तो आप कॉर्नर प्लॉट लेना चाहते हैं तो ये प्लॉट्स आपके सामने हैं ये पच्चीस छब्बीस ये पच्चीस छब्बीस जितने प्लॉट है ना जितनी स्ट्रीट्स पे यहाँ पे पंद्रह सिर्फ बाकी पच्चीस और छब्बीस पच्चीस और छब्बीस पच्चीस छब्बीस जितने प्लॉट्स हैं सारे प्लॉट बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली रिकमेंडेड हैं क्योंकि सारे प्लॉट जो हैं दस मरला के हैं एक्स्ट्रा लैंड के साथ हैं तो दस मरला का जो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा कि आपको जो फ्रंट मिलेगा वो आपको तकरीबन बारह मरला से बड़ा मिलेगा आमतौर तो पे पर दस मरला का फ्रंट होता है पैंतीस लेकिन चूंकि ये एक्स्ट्रा लैंड है तो यहाँ पर तीस फुट तो यहाँ पे खत्म हो जाता है उसके अलावा तकरीबन आपको दस से बारह फुट फ्रंट एक्स्ट्रा मिलता है तो आपको बारह मरला यानी चालीस फुट फ्रंट है उसका तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट पैंतालीस फुट फ्रंट मिल रहा है पैंतालीस बाय तिरपन का प्लॉट होगा तो आपको दस या दस मतलब प्लस माइनस लैंड बन जाती है तो ये आप यूटिलाइजेशन अच्छी कर सकते हैं यानी घर की जो फ्रंट एलिवेशन है जब वो फ्रंट बड़ा होता है तो घर बड़ा बड़ा फील होता है अंदर जाकर किसने देखना होता है बाहर से फील होता है कि घर बड़ा है तो अंदर जाकर तो पता चलता है कि मतलब घर किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है तो ये आपके पास ऑप्शन अच्छा प्लॉट यहाँ पर चूज करने का अब जी इसको गूगल लोकेशन पर देख लेते हैं कि एरिया पहले कैसा था और आज कैसा दिखाई देता है ये मैंने स्ट्रीट वाइज लेआउट प्लान सारा रखा हुआ है और इससे आपको काफ़ी हद तक बेहतरीन आई थिंक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये सारा एरिया कैसा दिखाई देता है तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जी इस सारे एरिया में सॉरी मैं मैप मैपरा हटा दूँ अच्छा ये एरिया आज की डेट में कुछ यूँ दिखाई देता है आज की नवंबर 2021 ट्वेंटी वन की इमेज अपडेट हैं गूगल पे और इससे पहले इमेजेस जो है वो अब तक अपडेट मतलब इसकी लेटेस्ट इमेजेस अपडेट नहीं हुई लेकिन इसकी जो लेटेस्ट इमेजेस अपडेट होंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी अपडेट कर दूंगा यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से आई थिंक इस पार्क में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है मेरा ख्याल है कि ओवर हेड वाटर टैंक है इस ब्लॉक के लिए यस ये ओवर हेड वाटर टैंक इसके लिए बन रहा है तो सी डी और ई और e ब्लॉक के मेम्बर्स के लिए यहाँ पर वाटर सप्लाई का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है ई e ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों बहुत अच्छे हैं दोनों की एलिवेशन बहुत अच्छी है तो दोनों अपने लिहाज से बेहतरीन ब्लॉक है अच्छा जी अब जो मेन क्रक्स है इस वीडियो का वो देखते हैं जी इसको टाइमलाइन पे कि ये पहले एरिया कैसा दिखाई देता था और आज की डेट में ये एरिया कैसा दिखाई देता है मैं साथ ये थोड़ा सा चकली रोड के ऑपोजिट साइड भी शो करूंगा क्योंकि ऑपोजिट साइड पर सोसाइटी का अपना कैंप ऑफिस है यानी जो सोसाइटी की लेबर है और जो यहाँ पर जितनी गार्डनिंग वगैरह होती है वो प्लांटेशन वगैरह यहाँ से होती है फिर यहाँ से पौधे लेके वहाँ जाते हैं तो ये वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है जरा इसको मैं मैप से टाइम को थोड़ा रिवर्स करते हैं जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन इमेजेस कुछ छू दिखाई देती हैं मे 2021 ट्वेंटी वन इमेजेस आपके सामने हैं आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं किस तरह दिखाई देती हैं जी जनवरी 2021 ये सारा एरिया तकरीबन रॉ लैंड ही थी और राइट साइड पे भी तकरीबन आपको रॉ लैंड ही नज़र आती है कोई मेजर चेंजेस नज़र नहीं आते अच्छा अब इमेजिन करें कि एरिया ये सारा एरिया दिखाई देता था जुलाई 2020 में ये एरिया कुछ यूँ दिखाई देता था यानी एग्जैक्ट आज से 19 माह पहले ये सारा एरिया था जंगल था बिल्कुल जंगल यानी कि इसमें कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी कोई रास्ता नहीं था कोई इंसान नहीं रहता था कोई किसी का गुजर बजर नहीं था रॉ लैंड जंगल और मे तक देखें तो प्रॉपर बिल्कुल ग्रीन चटियल सब कुछ साफ कुछ भी नहीं और अब मैं जितना बैक करता जाऊंगा सारा बात बात जंगल था तो ये जंगल ही रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे अब मैं टाइम लाइन उधर आगे टाइम लाइन उधर आगे अब तो तो आप देखते जाएं कि अप्रैल 2020 में एरिया कुछ यूँ जंगल था मई में भी इसी तरह जंगल था फिर आता है आपका जुलाई सॉरी जुलाई 2020 ट्वेंटी थोड़ा थोड़ा एरिया साइड से ब्राउन होना शुरू हुआ है थोड़ा इस साइड से थोड़ा इस साइड से इस साइड से ना ये वाला एरिया कह लें सारा ये ब्राउन हुआ है थोड़ा सा और थोड़ी सी ये पॉकेट्स ना ब्राउन हुई हैं अच्छा नेक्स्ट इज जनवरी 2021 यानी जनवरी 2021 में सारा एरिया जो है ना अगर मैं इसको एकर्ड में काउंट करूं कितना बनता है जी इसको हम मैयर कर लेते हैं अच्छा मैं चक्री रोड की दूसरी साइड भी काउंट कर रहा हूं कि सारा एरिया जो ना तीन महीने के टाइम में सोसाइटी मैनेजमेंट जब काम करने पर आती है ना तो फिर अन्नी फेर देती है दैट वॉज अ लाइटर नोट ओके अच्छा ये वाला जो एरिया दिखाई देता है आपको ये है एक इक्कीस एकड़ और अगर आप इसको मल्टीपल वेड कर लें तो अराउंड आठ सौ समथिंग कनाल या नौ सौ हज़ार कनाल के आसपास एरिया बन जाता है 121 एकड़ को वन ट्वेंटी वन पॉइंट फोर थ्री कर लें तो आपको रिजल्ट आता है हज़ार कनाल एरिया सोसाइटी ने दो से तीन महीने के टाइम में इसको डिलीवर कर दिया था ब्राउन कर दिया था अब इसी एरिया को देखें मैं टाइम को थोड़ा आगे मूव करता हूँ मे ट्वेंटी ट्वेंटी इमेज आपके सामने हैं अच्छा अगली इमेज जो है ना वो आपको ज़्यादा सरप्राइज करेगी ये देखें ये आज की इमेज है इस साइड सारा कैंप ऑफिस जो है वो बिल्डिंग भी बन गई है मतलब यहाँ पे सोसाइटी के अपने इंप्लाइज भी आ गए हैं गार्डन्स भी बन गए हैं ये सारी आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं ये मतलब ये नहीं कंस्ट्रक्शन इस पार्ट में कुछ हो रही है कंस्ट्रक्शन ये सारी आपको बिल्डिंग ग्राउंड प्लस टू की ये डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं मैं मतलब मजीद क्लोज वूम कर दूँ ये ग्राउंड फ्लोर की खिड़की है फर्स्ट फ्लोर की खिड़की है और ऊपर ये डबल स्टोरी ऊपर बिल्डिंग है और विद इन नो टाइम ना लाइक तीन से चार मंथ के टाइम में सोसाइटी ने इसको एकदम से डेवलप किया नहीं मतलब पेस काम अगर लट से जिस एरिया की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो विद इन नो टाइम इस एरिया को डेवलप करते हैं ये सोसाइटी की एक बहुत अच्छी बात है सो व्यूअर्स दिस वाज इट फॉर टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट नहीं है लाहौर स्मार्ट नहीं है बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़